हे गाइस, हाय, हेलो, नमस्कार एंड अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे जगह में जाने वाला हूँ। गुवाहाटी के एक बहुत नजदीकी एक वाटरफॉल है, उसका नाम मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा, अभी हम लोग निकल रहे हैं, बाकी फैमिली के मेंबर्स भी रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी तक वहाँ पे कभी गए नहीं है, और वो लोकेशन है कहाँ पे, वो व्यू है कहाँ पे, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा उस जगह पर, और बहुत ही सुंदर सा जगह है, मतलब मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकता, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो में बनते रहिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइनली घर से निकल चुका हूँ मैं। जो जगह आज आप लोगों को दिखाने लेके जा रहा हूँ वहां तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और लोकेशन तक पहुंचने में हाफ एन आवर लग जाएगा। तो चलिए, जाने से पहले बाइक पे पेट्रोल भरा लेते हैं, नहीं तो मेरा जो ये FZ बाइक है मुझे मेरे मंजिल तक नहीं लेके जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से ऑरेंज खरीदेंगे। स्ट्रॉबेरी की मान के किमान के टीम 120 का स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आप लोग को रास्ते में मिल जाएगा आपको। अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पूरा सोहिदुल इस्लाम दादा यहाँ आई अपना लोग कमला लोई जाओ, बहुत कमोड डी है देखे थे, 120 में मिल जाएगा आप लोगों को। ये आदाबाड़ी की तरफ आप लोग आएंगे तो रास्ते में मिलेगा, इसका फर्स्ट दुकान है। यहाँ पर दिव्यांश ने खाना स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रॉबेरी अभी जस्ट खरीदा ही है और साथ में इसने खाना स्टार्ट कर दिया है। दिव्यांश हाय बोलो, हाय से हाय। अब जीजू और मेरा जो कजन ब्रदर है बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है, और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। सब लोग वेट कर रहा है, आ गया है। कौन कौन आया है? 1 2 3 4 5 और 2 स्कूटी है। वो लोग आने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। ओके गाइस, ये रेपिडो का हेलमेट कहाँ से मिला? ये रेपिडो का हेलमेट देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ये कैमरा देखते ही खोल दिया। ये स्पेशली दिव्या के लिए बनाया हम लोग ने। देखिए ये रेपिडो वाला, कोई रेपिडो ने छोड़ के चले गया था, मतलब वहां से टपका है ये। और इस जगह पे आने के लिए गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिएगा गोरचुक SITM, और ये है SITM। आप लोग को ये गेट मिलेगा और यहाँ से 200-300 मीटर के दूरी पे है ये वाटरफॉल। और मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ गारुगुली वाटरफॉल। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही अच्छा व्यू है, और गुवाहाटी के नजदीक इतना अच्छा एक व्यू बहुत लोग को पता नहीं होगा शायद, जितना तक मुझे पता है। तो कुछ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स मैंने निकाले हैं, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर पत्थर ही पत्थर, पानी ही पानी, बहुत ही शांत प्लेस। गर्मी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, जैसे गर्मी के टाइम में यहाँ पे नहा के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। वहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी का साउंड तो आप लोग सुन रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नज़दीक जाके। और यहाँ पर एंट्री आप अगर करेंगे तो कमिटी के जो लोग हैं 20 रुपीज़ करके पर पर्सन देना पड़ता है। हम लोग वहाँ पर आगे पे जाके बैठेंगे, थोड़ा स्पेस है वहाँ पर बैठने का। और ये जो आप लोग सुन रहे हैं पानी का साउंड, ये आगे में झरना है, वो आगे में झरना है, वहाँ से ये पानी आता है। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है ना गाइज, नहीं तो मैं आप लोगों को ले जाता दिखाने के लिए। इधर पे आते आते मैंने देखा यहाँ पर, देखिए किसी ने ड्रिंक करके यहाँ पर मतलब बोतल को फोड़ दिया है, देख सकते हैं आप लोग। पिकनिक करने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है। और चलो अभी हम लोग भी कुछ खाने का सामान वामान लेके आए हैं, आप लोग को वीडियो में मैं दिखाते रहूँगा, आप लोग वॉच करिए। सब लोग पहुंच जाएंगे स्पॉट में अच्छे से, उसके बाद जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरा बॉक्स पापा ब्रांड्स का चार्ज करके लेके आया है। अभी हम लोग खाने के लिए क्या क्या लेके आए? पीठा लेके आया है, और ये आप लोग जो देख रहे हैं ना कच्चा मिर्ची और नमक, हम लोग इसलिए लेके आए क्योंकि हम लोग ने जो रास्ते में आप लोग ने देखा ना ऑरेंज हम लोग लेके आए थे, दीप भाई ने जो ऑरेंज हम लोग लेके आए थे पूरा मिर्ची उर्ची दे के, इसको पूरा नमक वमक दे के मिक्सअप कर दिया ना। हम लोग प्लेट लेके आने से अच्छा था, खा के देखता हूँ एक बार कैसा टेस्ट हुआ है। ऑरेंज बहुत ही मीठा है, हम लोग जहाँ से ऑरेंज खरीदा था पहले भी जब मैं यहाँ पे आया था वहीं से ऑरेंज खरीद के लेके आया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कैसा लगा ऑरेंज खा के?
बिल्कुल। ऑरेंज कैसा है, मिठाई की नहीं? मिठाई की नहीं? बहुत अच्छा है ना। भिखारी में भी पति दिखाई देता है। और यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि दुकान नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। जब आएंगे आप लोग हाईवे की तरफ से घुसेंगे जब अंदर, तब आपको मिलेगा, वहीं से आपको परचेस करना पड़ेगा, वहीं से खरीद के आना होगा आप लोगों को, पानी हो चाहे कुछ फ्रूट्स वगैरह, चाहे आपको चिप्स वगैरह, तो जो भी लंच वंच जो भी लेके आना है आपको, एवरीथिंग आप लोग को वहीं से लेके आना होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही एक अच्छा टाइम बीता है यहाँ पर। और इनको देखो, वो देख सकते हैं अभी भी फोटो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जब से आए हैं तब से फोटो ही फोटो। इतना अच्छा लगा इन लोगों को ये जगह, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएंगे ना रील्स बनाने के लिए, फोटो सेशन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। जितना टाइम बिताएंगे उतना ही कम लगेगा। और अभी हम लोग जाने के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं, तो फीडबैक ले लेते हैं इस जगह के बारे में, पूछते हैं। ये मेरा नेफ्यू, कैसा लगा यहाँ पर आकर? हाय बोल दो। जीजू, मेरे जीजू से भी फीडबैक लेते हैं। जीजू रहता है वेस्ट बंगाल। मजा। अर्जुन कैसा लगा बताओ? अच्छा लगा, ठीक है। पूजा बताओ मेरे व्यूवर्स को कैसा लगा यहाँ पर, मेरी बहन पूजा कैसा लगा बताओ? It was awesome and you should come and visit this place. Yes, thank you, पूजा। और भी किसी किसी से फीडबैक ले लेते हैं, कैसा लगा ये जगह में आकर, कैसा लगा? प्रिया कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल प्लेस। और मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहती हूँ? आप जब भी यहाँ पे गुवाहाटी पे आओ तो ये स्पॉट पे एक बार आना और अच्छे से एंजॉय करना। वाटरफॉल बहुत सुंदर है, वाटर इज ब्यूटीफुली क्लीन। कैसा लगा? ऐसा जगह आपको सिमिलर मिलेगा बस स्टैंड में, लेकिन डिफरेंस ये है कि बस स्टैंड में ज्यादा क्राउड रहता है और यहाँ पे शांत, तो यहाँ पे ये प्लेस एंजॉय करने के लिए सही है। पहले कभी आया था इस जगह में? पहले कभी नहीं आया, मैंने पहली बार आया यहाँ पर। बाहर से जो हम लोग टूरिस्ट आते हैं पर वाटी में आने से ये प्लेस आप लोग विजिट कीजिए, बहुत ही शानदार प्लेस है, बहुत मजा आएगा यहाँ पर। थैंक यू भाई। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटो वोटो क्लिक किया, मेरे फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है, शाम हो चुका है, तो अभी हम लोग को घर जाना है, हम लोग घर चलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा इस वीडियो को,